आग की वारदात आज यहाँ हमारे कमर्शियल हब में गांधरबल में हुआ, बिहामा एरिया में, और ये करोड़ों में जो लॉसेस है, एक एक जो ताजर लोग हैं यहाँ वो एक हमारे बिरयानी हट थी, एक कारपेट की कुछ शॉप्स थी यहाँ पे, ग्रॉसरी की और गारमेंट्स की, मतलब कुल मिला के पूरा कॉम्प्लेक्स खाकस्तर हो गया। तो इसमें तो पहले हम शुक्रगुजार हैं, जान किसी की नहीं चली गई, माल का काफ़ी नुकसान है, और दूसरे नंबर पे हम हमारे जो इंडियन आर्मी है उनका भी शुक्रगुजार है, जिस तरीके से उन्होंने अपने एफर्ट्स लगाए यहाँ पे, तो वो सराहनीय है। साथ साथ हम जो हमारे फायर सर्विस के जवानों ने यहाँ रात को काम किया, अपने आप को जोखिम में डाल के, और पुलिस और जो भी यहाँ सिविलियन लोग थे, जो यहाँ आसपास के लोग थे, उनका भी शुक्रिया है जिन्होंने यहाँ रात के वक्त उसमें अपना कंट्रीब्यूशन किया। और अब इनका जो लॉसेस हुए हैं वो तो कंपनसेट मुश्किल ही है, जितना होना चाहिए, लेकिन हमें कलेक्टिवली जितना भी हमसे बन पाएगा, सबसे हमें भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा, इनको फिर से थोड़ा बहुत खड़ा करने की ज़रूरत है। मैं आज ही एलजी साहब से भी बात करूंगा और मैं इनके वो लिस्ट इनको दे दूंगा, ताकि जिनके लॉसेज है कम अज़ कम जो उनका रिलीफ फंड है के उसमें से भी इनको कुछ वहाँ से रकम वागुजार हो जाए, ताकि ये अपना थोड़ा बहुत कुछ उसमें रिहेबिलिटेट तो नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत जो कंट्रीब्यूशन होगा। और दूसरा डीसी साहब से भी हम गुजारिश करेंगे, वो भी अपनी तरफ से जो भी इनको आगे की कार्रवाई है उसमें उनका हर तरीके से सहयोग रहना चाहे, चाहे उनको फिर से बनाने के लिए ये कॉम्प्लेक्स है, चाहे टिम्बर के लिहाज से, चाहे बाकी लिहाज से, उनको रियायती दामों पे ये चीज़ें मिल जानी चाहिए, ताकि एक बार फिर से ये काम कर सके। और भी डीसी साहब से कहेंगे कि जो भी इनका इंश्योरेंस का होगा, कोई बैंक का मामला होगा, उसमें वह थोड़ी इनको फैसिलिटेट करेंगे, ताकि ये ताजर थोड़े बहुत खड़े हो जाए। हम इस घड़ी में इनके साथ खड़े हैं इंशाल्लाह, हमारी पूरी जमा, और जितना भी हमसे बन पाएगा हम इंशाल्लाह अपना पूरा कंट्रीब्यूशन इसमें करेंगे।